नमस्कार, मैं हूं धनश्री। खबर समय जुगत में आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की। भोपाल नगर निगम अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में नव निर्वाचित पार्षद एवं महापौर की बैठक की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 58 पार्षद शामिल हुए। बैठक चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश के नेतृत्व में की गई। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस की तिरंगा यात्रा को लेकर कहा कि मोदी जी के आह्वान पर कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, परंतु अगर आदिवासियों से इतना स्नेह था तो द्रौपदी मुर्मू का विरोध क्यों किया। आदिवासियों के लिए सौभाग्य की बात है कि आदिवासी की बेटी देश की बेटी प्रधानमंत्री बनी। जब उन्हें समर्थन देना था तब उन्होंने समर्थन दिया नहीं। अधीर रंजन चौधरी, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने द्रौपदी मुर्मू का मजाक उड़ाकर उनके सम्मान को ठेस पहुँचाई। छिंदवाड़ा की 5 नगर पालिकाओं में भाजपा की जीत को लेकर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जलवा है। गांव से लेकर शहर तक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के विकास की सरकार है। माननीय मोदी जी का आह्वान पर कांग्रेस तिरंगा यात्रा निकाल रही है, स्वागत योग्य है, परंतु आदिवासियों से यदि इतना स्नेह था तो द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध क्यों किया। ये तो देश के आदिवासियों के लिए सौभाग्य था कि एक महिला, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया, उनको थोड़ा शांत हो जाए, समर्थन देना था, उस समय तो समर्थन दिया नहीं। बल्कि अधीर रंजन चौधरी हो या कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह हो, उन्होंने तो द्रौपदी मुर्मू जी का मजाक उड़ाया, उनका सम्मान पर ठेस पहुँचाई। तो ये ढकोसलेबाजी है कांग्रेस को, ना आदिवासियों से के हित से मतलब है, ना ही आदिवासियों के उन्नयन से। भारतीय जनता पार्टी का जलवा है। देखिए, गांव से लेकर शहर तक, प्रत्यक्ष चुनाव से लेकर अप्रत्यक्ष चुनाव तक, हर जगह भारतीय जनता पार्टी है। और ये निश्चित रूप से हमारे नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी की जो विकास की सरकार है उसके प्रति जनता की स्वीकारोक्ति है, जनता का प्यार है। नमस्कार। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.